गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका नाम है बॉर्डर एंड सेटिंग। आज हम लोग एमएस वर्ड में जानेंगे कि बॉर्डर एंड सेटिंग क्या वर्क करता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर मीन्स होता है चारों तरफ से एक घेरा लगा देना। मान लेते हैं हम कुछ टेक्स्ट को टाइप किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर आ जाए, एक घेरा आ जाए, तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर का उपयोग एमएस वर्ड में करते हैं। और पेज बॉर्डर क्या करते हैं, टोटल पेज पर एक घेरा बना देता है ताकि वो ज्यादा एट्रैक्टिव देखने में लगे। तो अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं या कोई नोट्स बनाने का काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं कि एमएस वर्ड में बॉर्डर एंड सेटिंग का वर्क क्या होता है। तो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, तो सबसे पहले हम लोगों को जो ओपन कर लेना है वो है एमएस वर्ड। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है पहले से, तो हम लोग को इसमें जो करना है वो है इसमें बॉर्डर लगाना है, इसमें पेज बॉर्डर में भी लगाना, पेज बॉर्डर भी लगाना है और इसको शेडिंग भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग वर्क करता है। सबसे पहले तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर कहाँ रहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये होम टैब में रहता है। होम टैब में ये वाला जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स के टाइप में, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर एंड सेटिंग। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। जस्ट इसका नाम है बॉर्डर एंड सेटिंग। जैसे यहाँ ले जाएंगे देखिए यहाँ पर शो भी करेगा बॉर्डर एंड सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो हम लोगों को जो करना है वो है हम लोगों को सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को जाना है बॉर्डर और बॉर्डर एंड सेटिंग में। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर एंड सेटिंग। सबसे नीचे वाले में आपको मिलेगा बॉर्डर एंड सेटिंग, जस्ट यहाँ क्लिक करना है। अब आपको इसको अच्छा से समझना है। यहाँ पर देखिए एक विंडो खुल गया है बॉर्डर एंड सेटिंग का, जिसमें से नन में पहले से क्लिक किया हुआ है। आपको यहाँ पर कोई बॉर्डर, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर शो नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है, इसका राज यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि यह ऑलरेडी नन में क्लिक किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये नन में रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई बॉर्डर शो नहीं करता है। जब भी जैसे ही आप यहाँ पर बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, देखिए यहाँ प्रीव्यू सेक्शन आ गया है और प्रीव्यू सेक्शन में आपको एक बॉक्स के टाइप में एक बॉर्डर दिख रहा है। अब यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है कि आप किस स्टाइल में इसको लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शैडो दिया है, 3D दिया है, कस्टम दिया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आप जैसे जिस टाइप में हम बॉर्डर चाहते हैं तो उस टाइप में यहाँ पर आ जाएगा, प्रीव्यू में देख सकते हैं। ये हो गया स्टाइल। अब अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर आसानी से कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कलर हो जाएगा। यहाँ से आप मोर कलर्स में भी जा सकते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, देखिए मोर कलर नीचे दिया हुआ है। यहाँ से भी आप अपने अनुसार देखिए कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वैरायटीज टाइप का कलर मौजूद है, तो आप जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बता रहा है अप्लाई टू, अप्लाई टू में पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर आप टेक्स्ट को बॉर्डर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिएगा, अगर पैराग्राफ को बॉर्डर करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए, पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर आ जाए, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मान लीजिए ऊपर वाले इसको हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो यह हट जाएगा, फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा। जैसे कि यहाँ नीचे वाला हमको बॉर्डर नहीं रखना है, नीचे में लाइनिंग हमको नहीं रखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लाइनिंग को हटा सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में अगर नहीं चाहिए तो देखिए हट रहा है, यहाँ भी हट रहा है। तो इस तरह का डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो जस्ट इसको अब आपको करना है ओके। जैसे हम ओके कर देंगे देखिए इस पैराग्राफ के चारों ओर से बॉर्डर लग चुका है। अब बात आता है कि पेज बॉर्डर। अब हम लोग सिंपल सब फिर उसी बॉर्डर एंड सेटिंग में जाएंगे और यहां से हम लोग पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे।
जैसे पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज, जैसे बॉर्डर का विंडो खुला था उसी तरह आपको पेज बॉर्डर का भी विंडो खुलेंगे। और पेज बॉर्डर में आपको भी वही बॉक्स आपको डालना है। बॉक्स में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। अब यहाँ से आपको स्टाइल को चूज करना है। सपोज दैट मैं ये स्टाइल को रखना चाहता हूँ अपने पेज बॉर्डर में। यहाँ पर कलर आप चूज कर सकते हैं, सपोज दैट मैं ये कलर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अप्लाई करना है किसके लिए, आपको होल डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप होल डॉक्यूमेंट के लिए रख सकते हैं। फर्स्ट पेज ओनली, आप चाहते हैं सिर्फ पहला पेज में ही मेरा बॉर्डर रहे, बाकी पेज में ना रहे, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पेज ओनली को कर सकते हैं। और आप चाहते हैं ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो देखिए ये चारों ओर से बॉर्डर लग चुका है। या आप इसको एक साथ में देखने के लिए आप चले जाइएगा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में, देखिए यहां पर आपको शो कर देगा। अब बात आता है शेडिंग का। शेडिंग का वर्क क्या होता है कि जैसे मैं यहां पर इसको सेट कर देना चाहता हूं ताकि ये कलरफुल हो जाए, तो यहां पर हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग में फिर से जाएंगे और देन यहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा शेडिंग का। अब आप शेडिंग में क्लिक कीजिए, यहां पहले से नो कलर किया हुआ रहता है इसलिए यहां पर कोई कलर शो नहीं करता है, तो आपको यहां क्लिक करना है और आपको यहां से कोई भी कलर चूज कर लेना है। जैसे मैं ये कलर चाहता हूं, तो देखिए इसके अंदर बॉर्डर के अंदर का हिस्सा कलर हो चुका है। अब यहां पर आप इसको सिंपल सा कर दीजिएगा ओके। और यहां पर देखिए टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ होगा। जैसे कि मैं टोटल पैराग्राफ को करना चाहता हूं तो मैं पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूं, देन इसको ओके आपको कर देना है। जैसे मैं यहां पर ओके कर दूंगा तो ये आपका देखिए सेट हो गया। तो इसी तरह से वर्क करता है बॉर्डर एंड सेटिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर इसको पूरे हिस्से को एक ही पेज में आपको देखना है तो इसको आप यहां से छोटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, देखिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इससे जुड़े अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूँ। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।